2015 में रघुवर दास के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा झारखंड के जो बीपीएल सूची में गरीबी रेखा के नीचे जो आम जनता हैं, नागरिक हैं, उनको मदद के लिए, उनको सहायता के लिए जो ब्लड जांच आदि जो जांच के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते थे सही ढंग से, उनको मदद करने के लिए टेंडर निकाला गया था, जिसमें दो कंपनियों को पूरे राज्य में जांच करने की जिम्मा दी गई थी। उसमें एक मेडवेल कंपनी भी है, मेडवेल कंपनी को राज्य के जितने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आदिवासी जिले हैं, आदिवासी जिलों में जांच के लिए मेडवेल कंपनी को दिया गया था। जो मुझे जानकारी मिली है, मेडवेल कंपनी के द्वारा जो जांच किया ही नहीं गया है, फर्जी जांच रिपोर्ट के आधार पर लगभग 550 करोड़ का बिल उसने उठाया है, और उसमें आधे से अधिक का जो रिपोर्ट है वो फर्जी है। और इस संबंध में मुझे पक्का सबूत के साथ जो है जानकारी मिली है, जिसके आधार पर मैंने राज्य के जो स्वास्थ्य सचिव हैं, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, राज्य के जो मुख्य सचिव हैं, राज्य के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, राज्य के जो महामहिम राज्यपाल हैं, उनको पत्र के माध्यम से मैंने इसकी जांच करने के लिए, और ये जो फर्जीवाड़ा के आधार पर जो बिल निकाला जा रहा है राज्य में, राज्य को जो लूटा जा रहा है, उसके विरुद्ध में जांच के लिए और अविलंब कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिए, और गरीब के नाम से फर्जीवाड़ा कर जो रुपये का लूट हो रहा है, बंदर बांट हो रहा है झारखंड में, उस पर रोक लगाने के लिए मैंने पत्र के द्वारा मांग किया है। और पत्र मैंने सभी को देने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देने का काम किया है, माननीय महामंत्री महासचिव महाराज्यपाल को भी देने का काम किया है, मुख्य सचिव को भी देने का काम किया है, राज्य के जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं उनको भी देने का काम किया है। और मैंने जांच की मांग करते हुए ब्लैक लिस्टेड करने का और उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का और गरीब के नाम से जो लूट हो रहा है उस पर रोक लगाने का हमने मांग किया है, जिसका सारा ब्यौरा फर्जी बिल का जितना रिकॉर्ड है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर भी अपने पत्र के साथ साथ उसको हमने भेजने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री इस भयंकर जो लूट हो रहा है, फर्जी वाला हो रहा है, गरीब के नाम से जो फर्जी बिल लेकर के और लूटा जा रहा है, उस पर रोक लगाने की हमने मांग की है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हम उम्मीद करते हैं राज्य सरकार अविलंब इस पर जो है रोक लगाएगी और कानूनी कार्रवाई करेगी। मेडवेल कंपनी के द्वारा और राज्य सरकार के माध्यम से 12 जिले जो मेडवेल कंपनी को देने जांच के लिए जो दिया गया है, उसमें जो फ्रेंचाइजी किया गया है, उसमें जितने सिविल सर्जन हैं 12 जिले के, सभी जिलों के जो सिविल सर्जन हैं उनको मेडवेल कंपनी के द्वारा रिश्वत के तौर पर 1,00,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है और फर्जी बिल पर उनकी सहमति स्वीकृति ली जाती है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो रिम्स में जो फर्जीवाड़ा किया गया है उसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी मैंने अपने पत्र में उल्लेख किया है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।